Hello dear student, good morning. I am Jaisankar Pandey and you are welcome to Jai Career Foundation, lesson number 2, class 12, A Fellow Traveler, written by A.G. Gardiner, lecture number 3. Let us start for this your lesson. पिछले लेसन में हम लोगों ने पढ़ा कि लेखक कई तरीकों से मच्छर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह असफल रहता है और अपने आप को शर्मिंदित महसूस करता है और लेख अपने आप को एक तुच्छ प्राणी मानने लगता है। कौन? लेखक। ऐसी चीज़ें इस सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने देखा था, लेकिन अब लेक्चर नंबर 3 में हम लोग इसके आगे का अध्ययन करेंगे। तो समय को न बर्बाद करते हुए लेसन शुरू करते हैं। आई टुक अप माई पेपर, मैंने अपने पेपर को रख दिया। ही केम एंड सेट ऑन इट, वह आया और उस पर बैठ गया। यानी मैंने अपने पेपर को रखा, वो आया, मच्छर आया और उस पेपर पर बैठा। फुलिश फ्लो, आई सेड, मैंने कहा, हे मूर्ख साथी, यू हैव डिलीवर्ड योरसेल्फ इनटू माय हैंड्स, यू हैव डिलीवर्ड योरसेल्फ इनटू माय हैंड्स। यानी तुम स्वयं आकर मेरे हाथ पर बैठ गए। आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन ए स्मैक ऑन द बूथ द कवर्स एंड यू आर ए कॉर्प्स नेटली सैंडविच बिटवीन एन आर्टिकल्स ऑन पी स्ट्रैप्स। आई हैव, मैंने किया, बट लेकिन, यू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली, तुमने मेरा सम्मान बहुत कम किया। ऑर्गन ऑन ओपिनियन, यानी एक विचार, विचार के तरीके से, यानी आपने विचार नहीं किया कि आपको मेरा सम्मान करना चाहिए। स्मैक ऑन बोथ द कवर, यानी आपने क्या किया, इन सब चीज़ों को चकनाचूर कर दिया। यानी मेरा जो सम्मान था, मेरा गुरूर था, सबको आपने चकनाचूर कर दिया। यू आर ए क्रॉप्स, और आप एक प्रकार से क्या हो, क्रॉप्स हो, आप नुकसान हो। नीटली सैंडविच बिटवीन एंड आर्टिकल्स ऑन पीस स्ट्रिप्स, नीटली सैंडविच, यानी सैंडविच जो खाने वाली चीज है, तो कह रहा है नीटली सैंडविच बिटवीन एन आर्टिकल, यानी आप एक सैंडविच की तरह वस्तु, ऑन पी स्ट्रिप्स, आप उसमें क्या हो सकते हो, समा सकते हो। यानी सैंडविच में अगर आपको दबा दिया जाए तो आप उसी में चले जाओगे। एंड अनदर ऑन, और दूसरा भी, द मोडेस्टी ऑफ मिस्टर हक्स, बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। आई हैव रिप्रवाइव यू, आई हैव रिप्रवाइव यू, मैं आपको पुनर्जीवन देता हूँ। एंड आई विल सेटिस्फाई, मैं आपसे संतुष्ट हूँ। दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज ए थिंग, जब यह बड़ा जानवर कह रहा था इन सब चीज़ों को। ही मीन्स इट, इसका मतलब है, इसका मतलब यह है कि बड़ा जानवर इन सब चीज़ों को संतुष्ट पूर्वक कह रहा है कि मैं आपको पुनर्जीवन देता हूँ। मोर एवर, यानी बहुत अधिक, आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, मैं आपको और अब बहुत मारने की इच्छा में नहीं हूँ। दो नोइंग यू बेटर, आप मुझसे अच्छे हो। आई हैव कम टू फील सेल, आई से, मैं ऐसा कहता हूँ कि आप मुझसे अच्छे हो, मैं ऐसा महसूस भी करता हूँ। ए सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, एक प्रकार से मेरे अंदर आपके प्रति स्नेह है। ए फैंसी यस्टी फ्रेंड्स वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, संत फैंसी
एक प्रकार से जीवों पर दया करने के लिए लोगों से कहते हैं, और ये कह रहे छोटों को आप भाई मानो, यानी जो संत फैंसी हैं, यानी जो ईसाई संत हैं जो सभी पर जीवों पर दया करने का पाठ पढ़ाते हैं, वो कहते हैं कि हमें लोगों पर क्या दिखाना चाहिए, लोगों को मानना चाहिए अपने छोटे भाई की तरह। यानी सभी जीव क्या हैं, हमारे संरक्षण में हैं, तो हम लोग का भी दायित्व तो है कि उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाए। आई कैन नॉट गो सो फार एज द क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, आई कैन नॉट गो फार एज, यानी मैं बहुत दूर नहीं गया, मैं नहीं जा सकता क्रिश्चियन चैरिटी यानी ईसाइयों की विश्वासता एंड सिविलिटी सभ्यता, यानी मैं ईसाइयों की विश्वासता और सभ्यता के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता, बट आई रिकॉग्नाइज ए मोर डिस्टेंस रिलेशनशिप, लेकिन मैं ये पहचान गया कि आप और मेरे प्रति कोई संबंध है। तो वही कह रहे हैं कि बट लेकिन आई रिकॉग्नाइज, मैं पहचान गया मोर डिस्टेंस, यानी काफी दूरियां होने के बाद भी रिलेशनशिप मतलब संबंध है, यानी हम में और आप में बहुत अंतर होने के बाद भी एक संबंध है। फॉर्चून हैज मेड अस फेलो ट्रेवलर ऑन द समर नाइट, भाग्य ने भी इस रात्रि को आपको मेरा सहयात्री बनाया। आई वन द फंडामेंटल फैक्ट, और मैंने इस तथ्य की स्थापना की दैट वी आर फेलो मॉरल, हम लोग क्या हैं, नासवान हैं। द मेरिकल ऑफ लाइफ इज आवर कॉमन एंड इट्स मिस्ट्री टू, ये कह रहे द मेरिकल ऑफ लाइफ यानी चमत्कारी जीवन आवर इन कॉमन, यानी हमारे साधारण हमारे जो सामान्य जीवन है वो अन्य जीवनों से चमत्कारी जीवनों से हमारे जो जीवन है वो साधारण है। इट्स मिस्ट्री टू, और उसमें क्या है, रहस्य है, यानी जो चमत्कारी जीवन है और हम लोग का जो साधारण जीवन है उससे क्या है, अलग है और रहस्यों से भरा। आई सपोज यू, मैं मानता हूं यू डोंट नो एनी थिंग्स अबाउट योर जर्नी, कि आप किसी यात्रा के बारे में नहीं जानते हो, यानी मैं जानता हूं या मैं मानता हूं कि यू डू नॉट नो एनी थिंग्स अबाउट योर जर्नी, यानी मैं मानता हूं कि आप किसी यात्रा के बारे में नहीं जानते हो। आई एम नॉट श्योर, मैं निश्चित नहीं हूं या मुझे पता नहीं है। आई नो मच अबाउट माइंड, फिर भी मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूं। वी आर रियली, आप वास्तव में हो। व्हेन यू कम टू थिंग्स ऑफ इट, जब मैं आपके बारे में सोचता, ए गुड डील अलाइक जस्ट अ पार्टीशन, ए गुड डील अलाइक जस्ट पार्टीशन, ये एक जैसा हिस्सा है, एक एक प्रकार से हम लोग का अंग है, हिस्सा है, दैट की आर एंड देन आर नॉट कमिंग आउट ऑफ द नाइट इन टू द लाइटेड कैरिज, लाइटेड कैरिज, ये कह रहे हैं कि देन आर नॉट कमिंग आउट ऑफ द नाइट, यानी तब आप रात्रि में नहीं आते, रात्रि में इस डब्बे में प्रकाश की तरफ नहीं आते हो। फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प फ्रॉम ए व्हाइल, यानी जब आप लैम्प में क्या करते हो, चारों तरफ घूमते हो, एंड गोइंग आउट इन टू द नाइट अगेन, और फिर आप रात्रि के बाद चले जाते हो, यानी रात्रि में आप आते हो लाइट की तरफ घूमते हो, लैंप जो लगे हैं उसके तरफ चारों तरफ घूमते हो, और रात्रि जाने के बाद आप भी चले जाते हो। पर है शायद गोइंग ऑन टू नाइट सर, रात्रि जा रही है श्रीमान, सेट ए वॉइस एट द विंडो, यानी वो दरवाजे की तरफ देखते हुए बोलता है, कौन, लेखक। इट वॉज ए फ्रेंडली पॉर्टर,
वो एक प्रकार से उसका मित्र साथी बन गया। गिविंग मी ए हिंट, उसने मुझे एक निर्देश दिया कि इट वॉज माई स्टेशन, ये मेरा क्या है, पड़ाव है, स्टेशन है। आई थैंक्ड हिम एंड सेड, मैंने उसका धन्यवाद किया और कहा आई मस्ट हैव डोजिंग, मुझे आपके साथ की जरूरत है। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक, वो कह रहा कि आप मेरे टोपी और मेरे छड़ी को पकड़े रहना। आई वेंट आउट इन टू द कूल समर नाइट, यानी मैं इस ठंडी रात्रि में बाहर जा रहा हूँ। एज आई क्लोज द डोर द कंपार्टमेंट, जैसे मैंने डिब्बे के दरवाजे को बंद किया, आई सा माई फेलो ट्रेवलर फ्लैटरिंग राउंड द लैंड, तो मैंने देखा क्या कि मेरा जो सहयात्री था वो लैंप के चारों तरफ घूमने लगा। लेसन आपका क्लोज हुआ, तो आपका लेसन खत्म हुआ। अब लास्ट वीडियो में आपका लेखक ये देखता है कि जो ये मच्छर रहता वो मच्छर को मारने की धृष्टता छोड़ देता है, उसे बताता है कि आप भी एक प्राणी हो, हम भी प्राणी हैं, जीवन नाशवान है, और एक प्रकार से वो अपना रिलेशन बताता है कि हम लोग एक सहयात्री हैं और हम लोग को मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि संत फैंसी कहते हैं कि जीवों पर हमें दया करना चाहिए, अपने से छोटों को हमें भाई की तरह मानना चाहिए, लोगों को हमें संरक्षण देना चाहिए। जैसा कि मैं सोचता हूँ कि अब हम लोग को साथी हो जाना चाहिए, लेखक कहता है, और कहता है जैसा कि आप इस यात्रा में आए, आप रात्रि में आते हो और दिन होने पर चले जाते हो, तो कहता है दिन होने वाला है, वो क्या करता है अपना दरवाज़ा बंद करता है। दरवाज़ा जब बंद करता है तो फिर जो मच्छर रहता है वो वहाँ से उड़कर फिर लैंप की तरफ मरड़ाने लगता है और उसे वो देखता है। बस यहीं पे लेसन क्लोज हो जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हमने इस लेसन को पूरा कर दिया है। आपके पास किताब है, टेक्स्ट बुक है, मोबाइल है या अन्य चीज़ें हैं, तो आप प्लीज़ इसके आंसर, क्वेश्चन, पैसेज, जो भी चीज़ें हैं आप उसे करो और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जन की इच्छा कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट लेसन में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए।